आज की वीडियो में बात करेंगे इन्फिनिक्स नोट 12 2023 मॉडल के बारे में, इसकी कंप्लीट लॉन्च डेट, प्राइस पाकिस्तान इंडिया में, और इसकी स्पेसिफिकेशन मेरे पास मौजूद है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर। तो बहुत कुछ है वीडियो में बात करने के लिए, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, कंप्लीट वॉच कर लेनी है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल में सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोबाइल के कुछ लुक्स के हवाले से। देखिए, मोबाइल का लुक्स फिलहाल कुछ कंफर्म नहीं है कि किस किस्म का मोबाइल आ रहा है हमें निकलने के बाद। ये देख सकते हैं, अभी तो यही फोटोज आ रही हैं, यही कहा जा रहा है इसी किस्म का होगा मोबाइल, ठीक है ना। बैक पर ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा विद LED फ्लैश, एंड यहाँ पर फ्रंट की तरफ हमें वी नोच देखने को मिलेगी, जैसा कि होता है वाटर ड्रॉप नोच। ओके, अभी यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी लॉन्च के हवाले से कि कब लॉन्च किया जा रहा है इस मोबाइल को। देखिए, लॉन्च के हवाले से फिलहाल पाकिस्तान और इंडिया में तो कोई रिपोर्ट्स नहीं है कि कब लॉन्च किया जा रहा है, एग्जैक्ट डेट क्या होगी, बट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बता देता हूँ। इंटरनेशनली तो कहा जा रहा है कि जल्द रिलीज कर दिया जाएगा। अब जल्द से मुराद क्या है कि ये नेक्स्ट वीक रिलीज हो रहा है या फिर एक महीने बाद रिलीज होगा, ये कुछ कंफर्म नहीं है। ओके, अभी बात कर लूँ मैं इंडिया की कि पाकिस्तान में और इंडिया में कब लॉन्च हो रहा है। देखें, पाकिस्तान में ये मोबाइल वी होप सो के दिसंबर के एंड में रिलीज हो जाएगा या तो फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में। ओके, क्योंकि जाहिर बात है ये है 2023 मॉडल, तो मेरे ख्याल से ये जल्दी रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पर बात कर लें इसकी कुछ इंडिया में कि इंडिया में कब लॉन्च किया जा रहा है। देखें, इंडिया के मुताबिक भी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं निकल कर आई, बट मैं ये कहूँगा कि दिसंबर में या तो फिर नवंबर के एंड में रिलीज कर दिया जाएगा इंडिया में भी, ठीक है। अभी यहाँ पर बात कर लेते हैं प्राइसिंग, क्या प्राइसिंग होने वाली है इसकी। इसकी प्राइसिंग कुछ होगी पाकिस्तान में 50,000 के करीब, और इंडिया में क्या प्राइसिंग आ रही है लगभग कुछ 17,000 के करीब, ठीक है। 17,500 रुपीज़ की लगभग प्राइस होगी इंडिया में, और 50,000 इसकी प्राइस होगी पाकिस्तान में। ये हमारे पास स्पेसिफिकेशन है, स्पेसिफिकेशन देखते हैं, देन उसके बाद वीडियो को रैपअप करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बताता चलूँ, देखें यहाँ पर लिखा हुआ अनाउंस किया गया 27th of September 2022, वो मीन्स के कल अनाउंस किया गया। अच्छा, तो यहाँ पर ग्लास फ्रंट, प्लास्टिक बैक, प्लास्टिक फ्रेम आ रहा है, 6.7 इंचेस का यहाँ पर FHD वाला यहाँ पे AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि काफ़ी हैरानकुन बात है, क्योंकि इस अपनी इस प्राइस रेंज के हिसाब से यहाँ पे ना ओप्पो, ना वीवो, ना ही कोई और मोबाइल कंपनी हमें देती है AMOLED डिस्प्ले। और यहाँ पर मीडियाटेक का हिलियो G99 प्रोसेसर मिलेगा, जो कि काफ़ी लेटेस्ट प्रोसेसर है, 6 नैनोमीटर डाई के ऊपर तैयार करदा प्रोसेसर है ये, और डेडिकेटेड स्लोड मिल जाएगा, 8 GB ऑफ रैम, 128 GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज, और 50 MP मेन सेंसर विद 2 MP डेप्थ सेंसर, और तीसरा कैमरा VG होगा, क्वाड HD बना लेगा ये वीडियो, 16 MP यहाँ पर मिलेगा फ्रंट सेल्फी कैमरा, ये भी QHD होगा, क्वाड HD, और सेल्फी यहाँ पर अगर बात कर लें इसके लाउड स्पीकर की, तो लाउड स्पीकर मोनो नज़र आ रहे हैं, स्टेरियो नहीं है, 3.5 जैक मौजूद है, ब्लूटूथ 5. यहाँ पर ब्लूटूथ का वर्जन शो नहीं किया गया, टाइप सी 2.0 फिंगरप्रिंट स्कैन साइड में मिल जाएगा, 5000 mAh बैटरी विथ 33 W फास्ट चार्जिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जिस प्राइस के हिसाब से अगर ये आ जाता 50,000 का पाकिस्तान में, एटलीस्ट डिस्प्ले और प्रोसेसर तो काफ़ी बेहतर लग रहे हैं इस मोबाइल के। बकाया जब भी मोबाइल आएगा तो कंप्लीट इसका रिव्यू बनाकर अपलोड कर दूंगा, तब तक के लिए मेक श्योर चैनल आदमी सब्सक्राइब कर लेना, और जैसी कोई पाकिस्तान के मुतालिक या इंडिया के मुतालिक इसकी डेट कन्फर्म होती है कि कब लॉन्च हो रहा है, मैं वीडियो बनाकर अपडेट कर दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और एंड स्क्रीन मेरा चैनल भी आ चुका है, वीडियोज़ भी आ चुकी हैं, मज़ीद अपडेट रहने के लिए आपने चैनल आदमी सब्सक्राइब कर लेना। ओके।